तो यू हैव टू कंसीडर द रिटायरमेंट प्लान, लाइक हमारे मतलब मिनिमम क्लाइंट इज पे. एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टू माय यूट्यूब फैमिली. कैसे हो आप लोग सब? आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे. थैंक्स अ लॉट आपका वैल्यूएबल टाइम देकर जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो उसके लिए. तो आज के मेरे इस वाले ब्लॉग में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल कि अमेरिका का मिनिमम सैलरी कितना होता है. अगर आप अमेरिका आने का प्लान कर रहे हो तो आपको कितना मिल सकता है मिनिमम. तो चलो मेरे वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल में, प्लीज़ प्रेस द बेल बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट भी करना. तो देखो, मिनिमम वेज जो रहता है ना इधर का, ये पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है. गवर्नमेंट ना ये पहले से डिसाइड करके रखते हैं और डिफरेंट प्रोफेशन का डिफरेंट वेजेस रहता है. मैं पेंसिल्वेनिया से बिलोंग करती हूँ. हाँ, तो पेंसिल्वेनिया का पर आवरली वेज है $7.5. सिमिलरली अगर आप न्यू जर्सी जाओगे तो न्यू जर्सी का पर आवरली वेज है $15 करके. मतलब मिनिमम आपको उतना तो मिलेगा. ऐसा डेलावेयर करके एक जगह है, उधर अगर आप जाओगे तो आपको 11.25 करके पर आवरली मिलेगा. बट इट्स वेरी, इट्स डिपेंड्स. हाँ, कौन सा, ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब आप सपोज आप इधर रहते हो, हाँ, और आपको कहीं और पर सैलरी बहुत ज़्यादा, पर आवरली वेजेस बहुत ज़्यादा है, तो आप उधर जाओगे तो आपको उधर का हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगा. ऐसा नहीं है. हर जगह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसके ऊपर बेस करके ये वाला वेज ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ रहता है. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपको सैलरी कितना मिलेगा. हाँ, यूजुअली क्या होता है ना कि लोग 7-8 घंटा काम करते हैं. हाँ, कभी कभार ओवर टाइम भी करते हैं. तो अगर पकड़ लो आपको $10 मिलता है पर आवर बेसिस, तो आप कैलकुलेट कर लो एक दिन में आपको कितना मिलेगा. अगर आप 5 आवर भी काम करते हो तो आपको पर डे का मिलेगा $50. ऐसे आप 4 वीक का, 1 वीक का कैलकुलेट कर लो. इस हिसाब से आप मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना मिलेगा. सपोज आप पकड़ लो कि आपको मंथली कैलकुलेट करके आपको मिल रहा है $5,000. हाँ, बट $5,000 आपके पॉकेट में पूरा नहीं आएगा क्योंकि यू हैव टू पे सो मेनी टैक्सेस हियर. लाइक फर्स्ट वन इज़ 401k कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ द रिटायरमेंट प्लान. लाइक हमारे इंडिया में जैसे रहता है ना PF का, ऐसे इधर का है 401k कंट्रीब्यूशन. ये आपको पे करना है. देन यू हैव टू पे स्टेट टैक्स, यू हैव टू पे फेडरल टैक्स, यू हैव टू पे इंश्योरेंस. इसके बाद जाकर डिडक्ट होने के बाद जितना रहता है वो जाकर आपके पॉकेट में आएगा. देखो, हर एक प्रोफेशन का ना डिफरेंट डिफरेंट वेज अर्निंग्स रहता है. अगर आप आवरली बेसिस किसी जॉब में कर रहे हो ना, तो आपको लाइक मिनिमम आपके स्टेट में जितना वेज अर्निंग डिफाइन किया हुआ है मिनिमम, तो आपको उतना मिलेगा. उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है. लेकिन IT हो या मेडिकल प्रोफेशन हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू मेडिकल प्रोफेशन. हाँ, अगर मेडिकल प्रोफेशन के बारे में अगर आप बात करो ना, तो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारे कोर्सेस है. लाइक डेंटल हाइजीन है, डेंटल इंश्योरेंस है, डेंटल असिस्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट है, इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट है. उन लोगों का पर आवरली बेसिस $50 to $80 करके रहता है. बहुत ज़्यादा रहता है उन लोगों का. तो आप हिसाब कर लो महीने में कितना होगा इन लोगों का. वैसे ही IT प्रोफेशन जो लोग है ना, उन लोगों का आवरली बेसिस नहीं रहता है, बट उन लोगों का एक फिक्स सर्टेन अमाउंट रहता है, उसके बेसिस पर उन लोगों को मिलता है. IT में क्या होता है ना, एज आई सेड कि इट्स नॉट आवरली बेसिस, बट इट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर. मीन्स आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, और इट्स, और यस, इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल सेट. कौन से स्किल सेट से बिलोंग कर रहे हो, आप किस डोमेन में काम कर रहे हो, उस सब के ऊपर बेस करके IT का सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है. कि कोई IT से बिलोंग करता है ना, और उसको अगर पकड़ लो कि पर एनम 60K मिल रहा है, हाँ, तो मंथली बेसिस उसको 5K मिल रहा होगा. लेकिन ये जो 5K है ना, 5K मतलब अगर इंडियन रुपी में आप कन्वर्ट करोगे तो 4 लाख. अगर सुनने में होता है कि अरे बाबा उसको तो 4 लाख रुपया मिल रहा है महीने का, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इधर ना बहुत कॉस्टली है. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप का जो मतलब मेन जो पार्ट जाता है ना इधर खर्च का, वो जाता है आपका रेंट का. रेंट का भाई आपको मिनिमम आप देखो 1500 से 2500 तक मिले जाएगा आपका रेंट का. वो भी डिपेंड करता है आप कौन से लोकेलिटी में रहते हो, कौन से शहर में रहते हो, आप कौन से स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हो. अगर बच्चा है तो यू हैव टू कंसिडर द स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, अगर आप उसको अच्छे स्कूल में डालना चाहते हो. तो बहुत सारे चीज़ें हैं. देन टैक्स ब्रैकेट है, देन कार इंश्योरेंस है, रेंटल इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ है.
ये सब कुछ होने के बाद ना जाकर आपको ग्रॉसरीज, एंड नाउ इट इज़ द ग्रॉसरीज आर ऑल्सो सो मच एक्सपेंसिव, तो बहुत सारा फैक्टर रहता है। ऐसा नहीं कि चार लाख महीने का आ रहा है मतलब बहुत पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ फैक्टर्स है इसमें। अगर आप लोगों का प्लान है ना इन फ्यूचर कि आप लोगों को US आना है, एंड आप लोगों को चेक करना है कि आपको कितना मिल सकता है, मतलब एक आइडिया चाहिए आप लोगों को कि US आने के बाद आपको मंथली कितना हो सकता है, तो मैं ना आप लोगों को कुछ कुछ वेबसाइट बताती हूँ। roberthuff.com करके है, Glassdoor है, salaryexperience.com करके है, ये सारी वेबसाइट ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उधर आप अपना स्किल सेट एंड आप कौन से जगह से बिलोंग करते हो अगर आप दोगे ना, देन यू विल गेट अ रफ आइडिया कि आपको कितना मिल सकता है सैलरी इधर आने के बाद। IT में जो लोग आते हैं ना वो लोग, उन लोगों का सैलरी लाइक पकड़ लो आप मिनिमम 50K से स्टार्ट होता है। हाँ, और 50K से स्टार्ट होकर और बहुत बहुत ऊपर तक जाता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, अगर कोई बंदा सर्विस कंपनी में काम कर रहा है, हाँ, और अगर वो H1 या L1 किसी भी वीज़े में इधर आता है ना, तो इन लोगों को जो मिलता है ना सर्विस कंपनी, वो उन लोगों का अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके जो रहता है, जो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट रहता है, वो जाकर उन लोगों के जो एम्प्लॉय रहते हैं उन लोगों को देते हैं। यूजुअली ना दे गेट अ फ्रैक्शन पार्ट, व्हाट एक्चुअली द क्लाइंट इज पेइंग टू द कंपनी, उससे एक फ्रैक्शन पार्ट ही मिलता है इन लोगों को। बहुत सारे ऐसे भी सर्विस कंपनी है, जैसे मेरे पहचान के भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे सर्विस कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो लोग ना क्या होता है कि ओनली जो वर्क करते हैं कंपनी में उनको ही सिर्फ इंश्योरेंस देते हैं, उन लोग के फैमिली के जो मेंबर्स है, बाकी मेंबर्स है स्पाउस है या चिल्ड्रन है, उन लोगों को इंश्योरेंस नहीं देते। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस फॉर देम, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सैलरी, बट वो भी कहीं कहीं जगह पर नहीं मिलता है। सो मतलब मिनिमम सैलरी एक्चुअली कितना होता है इधर फॉर IT सेक्टर, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। तो आज का वीडियो ना मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।